गुड मॉर्निंग, आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब लोग, स्पेशली वो लोग जो कैंप में गए थे, सब ठीक है? अच्छा, कुछ लोग बीमार हैं। आप सभी को देख के बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं आज की आराधना में। एंड प्रभु आप सभी को आशीष दे, ये हमारी प्रार्थना है। और आज जब हम वचन से भी सुनते हैं तो हमारा ये डिज़ायर है, ये हमारी प्रार्थना है कि वचन से आपको और उत्साह मिले और आशीष मिले और एज अ फैमिली आप लोग और ग्रो करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे, इस सभा को शुरू करेंगे और फिर कुछ गीतों में जाएंगे। पिता परमेश्वर जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप महान ईश्वर हैं, महान राजा हैं, राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं, महासामर्थी जीवित परमेश्वर हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि इस समय आप हमारे बीच उपस्थित हैं। हम आपका वेलकम करते हैं, हम आपको आमंत्रित करते हैं, हम आपको वेलकम करते हैं प्रभु जी, हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु जी हमारे बीच, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते भी हैं प्रभु। और आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब हम आराधना करते हैं आपकी तो हमारा गीतों का गाया जाना प्रभु यीशु आपको ग्रहण योग्य हो सके। हम सभी से भी आप प्रभु अपने वचन के द्वारा भी हमसे बात करें प्रभु। बस यही हमारी प्रार्थना है कि आज की ये आराधना हम सब के लिए उत्साहपूर्ण रहे, हम सब के लिए आशीष में रहे और हम सब के लिए प्रभु स्पिरिचुअल ग्रोथ का कारण हो सके, ये हमारी प्रार्थना है। सारा आदर मान महिमा प्रभु यीशु मसीह आपको मिले, इस छोटी सी विनती को सुने यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। भजन संहिता 150 इस प्रकार से कहता है, बहुत सुंदर है, यदि आप अपनी बाइबल में निकालें तो आइए हम एक साथ पढ़ेंगे इसको। भजन संहिता 150 जब हम आराधना करते हैं हम ना कि सिर्फ गीत गाते हैं लेकिन प्रभु के वचन को भी साथ में पढ़ते हैं। तो आइए, अगर आपने निकाल लिया है क्यों ना हम एक साथ इन यूनिसन हम ये वचन को पढ़ेंगे। निकाल लिया? लेट्स स्टार्ट टुगेदर। यहां की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सब के सब यहाँ की स्तुति करें, यहाँ की स्तुति करो। आइए हम सब खड़े हो जाएं। एंड क्या हम सब तैयार हैं प्रभु की स्तुति करने के लिए? ओ, लगता है नहीं है। क्या हम सब तैयार हैं? यस। पिछले दो संडे से हम एक चीज प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम लोग कुछ गाते हैं एंड देन यू फॉलो अस, है ना, और हम एक साथ गाते हैं उस चीज को। आज भी हम कुछ ऐसा करेंगे, ठीक है? मैं एक बस इजी सी लाइन गाऊंगा एंड मैं चाहता हूं कि हम आप भी उसको सीखें और फिर आप गाएं एंड देन वी विल मूव इनटू द सॉन्ग, ठीक है? आसान है? आसान है? Keep playing, keep playing. आसान है? Let's practice. एक और बार करेंगे. आपकी बारी गाने की, फिर से
स्तुति गाएं। I'm sure हम सबको ये गीत गाता है। अब हम ये चाहेंगे कि आप लोग और जोर से गाएं एंड हम सब मिलके किसकी आराधना करेंगे? किसकी? परमेश्वर की आराधना करेंगे। आइए इस गीत को गाएं।
अगर आपने सोचा इस बारे में कि घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा किसी के हम उड़ना उससे परों पर उठाया उकाब की तरह ताकि हमको चोट ना लगे, वो हमें हमारे घोंसले को भी तोड़ता है क्योंकि हम बढ़ सके, है ना। एंड लेट्स जस्ट थैंक गॉड कि जब वो मेरे बारे में सोचता है तो मेरी उन्नति के बारे में सोचता है, भले ही परेशानी हो उसके द्वारा भी जो है मेरा स्पिरिचुअल लाइफ और रिफाइंड होता है। आइए अगला गीत गाएं, और गीत जो है उत्साहित करता है हमें ये कहने के लिए कि यीशु मसीह तू महान है कि नहीं है, है कि नहीं है, ऊपर से आवाज नहीं आई, है कि नहीं है, आमेन आमेन। और इस समय जो है हम अपनी टाइथ्स एंड ऑफरिंग भी प्रभु यीशु मसीह को देंगे। तेरी जय यीशु,
शांति देते हैं वो भी उस खुशी की तरह है। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सभी को एकजुट करा है, हर एक परिवार को आपने सुरक्षित रखा है, हर एक परिवार को आपने संभाला है, हर एक इंडिविजुअल को आपने संभाला है। हम आपका धन्यवाद देते हैं और सच में यीशु
तू है महान। चर्च साथ में मिलके बोले हैं, यीशु तू है महान। सच में यीशु तू है महान। प्रभु हम बस यही चाहते हैं कि आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाए। प्रभु जो आप चाहते हैं वैसा मेरा जीवन हो। मैं अपनी इच्छाओं को, अपनी प्रार्थनाओं को, अपनी हर एक चीज को, अपने हर एक डिजायर को आपके चरणों में रखता हूँ प्रभु। और यही चाहता हूँ प्रभु कि आपकी इच्छा पूरी हो जाए, आपकी इच्छा पूरी हो जाए प्रभु। प्रिय चर्च आप इस समय बैठ सकते हैं। एंड लेट दिस टाइम बी अ टाइम विद गॉड, यू एंड गॉड, अ पर्सनल टाइम, जहां पे यदि आप आराधना करना चाहते हैं, घुटनों पे आके आराधना करना चाहते हैं, खड़े होना चाहते हैं, इट्स अ फ्री टाइम फॉर ईच वन ऑफ अस। लेकिन ये समय रहे हमारी आराधना का प्रभु के लिए, एक पर्सनल टाइम वेयर वी जस्ट वांट टू से लॉर्ड लेट योर विल बी डन इन माय लाइफ। आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए प्रभु, ये मेरी प्रार्थना है। चलते रहे,
अपनी समझ का सहारा लेते रहे, हर घड़ी हर समय हम ये सोच के चलते रहे कि अच्छा ये ठीक है, ये कर लेता हूँ, वो ठीक है वो कर लेता हूँ, लेकिन प्रभु आज मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ, क्योंकि प्रभु तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा सहारा है प्रभु, क्योंकि हाथों में तू नहीं संभाला है। मेरे आसपास के लोग शायद धोखा दे देते हैं, मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकता, लेकिन आप हैं जिस पे मैं भरोसा अपना रखता हूँ, क्योंकि आप हमारे शरण स्थान और गढ़ हैं, आप हमारे बल हैं, आपसे हमें सामर्थ मिलती है, आप वो पर्वत हैं जिसपे मैं अपनी आंखें उठाता हूँ और सहायता मुझे मिलती है। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। अगर तू ना चलाए तो कौन चलाए यीशु, अगर तू ना सिखाए तो कौन सिखाए यीशु, अगर तू ना चलाए तो कौन चलाए यीशु, अगर तू ना सिखाए तो कौन सिखाए यीशु। आइए फिर से गाएं, अगर तू ना, अगर तू ना चलाए तो कौन चलाए यीशु, अगर तू ना सिखाए तो कौन सिखाए यीशु, मेरा तो तू सहारा है, हाथों को तूने ही थामा है, मेरा तो तू सहारा है, हाथों को तूने ही stands a guy. संभालेगा,
अगर तू ना उठाए कौन उठाएगा, अगर तू ना चलाए तो कौन चलाएगा। प्रभु जी आपने हमें अपने हमारे माँ के गर्भ से चुना है, संभाला है, सुरक्षित रखा है, और प्रभु हम आज ये सर अपने आप को सरेंडर करते हैं प्रभु कि मेरा तू ही सहारा है, हर जगह हर समय हर घड़ी प्रभु तू मेरा सहारा है। मेरी जॉब नहीं, मेरी फैमिली नहीं, कोई नहीं प्रभु, सिर्फ तू ही और सिर्फ तू ही मेरा सहारा है। और इसलिए प्रभु मैं अपने आप को आपके हाथ में सौंप देता हूँ, प्रभु यीशु मसीह जी मैं अपने आप को आपके हाथ में सौंप देता हूँ। धन्यवाद प्रभु ये समय के लिए, और मैं ये प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह कि अपने वचन के द्वारा हम सभी से आप बात करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमेन, आमेन। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं ये समय के लिए, एंड आइए हम अपने आप को वचन के लिए तैयार करेंगे। और वचन में जाने से पहले कुछ क्षण क्यों ना हम प्रभु के समीप जाएं, प्रार्थना में समय बिताएं। और जिस तरीके से हमने गीत गाया कि प्रभु मुझे तेरी ज़रूरत है, तू ही मेरा सहारा है, लेट्स प्रे कि प्रभु मेरे घर को तू संभाल, मेरे कलीसिया को तू संभाल, मेरी हर एक चीज़ को प्रभु तू संभाल। आइए लेट्स प्रे एंड प्रभु के हाथ में सरेंडर करें अपने आप को, अपने परिवारों को, अपनी जॉब्स को, अपनी हर एक चीज़ को, और अपने आप को तैयार करें आज के वचन के लिए। आज के वचन के लिए हम आप तैयार करें अपने आप को। एंड आई जस्ट रिक्वेस्ट पास्टर मानव इफ यू कैन प्रे दिस प्रेयर ऑफ सरेंडर। आइए हम प्रार्थना करें, एंड जब प्रार्थना में जाएंगे तो अपने मनों को प्रभु के सामने बस ऐसे छोड़ दें कि आज प्रभु ही काम करेगा और हम उसमें हस्तक्षेप ना दें। तो बड़ी अजीब सी बात है कि अपने मन, अपना दिल, अपना बींग, मगर हम हस्तक्षेप ना दें, प्रभु को दे दें मट्टी की तरह। धन्यवाद देते हैं मालिक इस समय के लिए, और आज हम बड़ी सारी भावनाओं को लेकर जी रहे हैं। इस समय इस दिन, इस मंजर, इस सीजन ऑफ लाइफ, दिस ईयर, देर आर लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, देर आर लॉट ऑफ ब्रोकन ड्रीम्स, देर इज अ फ्यूचर विच इज आउट देयर which we cannot simply handle, which we cannot even think of walking into. मगर प्रभु हमें इतना मालूम है वचन के द्वारा कि हर चीज आप में संभव, everything is possible in you, God. मालिक आज के वचन में जब पासवान बोलते हैं तो उसकी आवाज से, उसकी जबान से आपके विचार हमारे मनों में उतरे और हम खाली हाथ ना जाएं। हम ये लेकर जाएं कि प्रभु जी एवरी थिंग इज पॉसिबल इन यू, हर चीज आपके थ्रू योग्य बन सकती है, सक्षम बन सकती है मालिक। और एक चीज जान लें प्रभु जी कि हम अपने आप को पूर्णता से आपको सौंपें। आई प्रे फादर फॉर एवरी ब्रोकन ड्रीम, आई प्रे फादर फॉर एवरी ब्रोकन हार्ट, आई प्रे फादर फॉर एवरी ब्रोकन बॉडी ओवर हियर, आई प्रे दैट जो कुछ भी स्थिति में है हम उसी स्थिति में वहीं छोड़ दें प्रभु जी, और अपनी जिंदगी में खुद का हाथ ना लगाएं, खुद का हस्तक्षेप ना करें, मगर आप पे विश्वास कर हम अपने आप को सौंप दें और आप कार्य करें प्रभु जी। और जब आपका कार्य होता है तो घोंसले को तोड़कर बार बार उसने चाहा कि मैं उड़ूं, और उसी हिसाब से मैं आज उड़ना चाहता हूं मालिक, और हाथ ना लगाऊं अपनी जिंदगी में मालिक। मैं प्रार्थना करता हूं जब वचन आता है तो वचन हमारे दिलों में बैठे, और कोई भी किस्म का डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल फोन या विचार या फाइनेंसेस या जॉब या अपना हेल्थ को लेकर हम उस डिस्ट्रैक्शन को ना आने दें। अपने आप को पवित्र आत्मा की उपस्थिति में सौंपें और आपका वचन हमारे साथ काम करे।
ये सारी प्रार्थनाएं अपने महान पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन। थैंक यू। चेक। एक बार फिर जय मसीह की। अरे जय मसीह की। ऐसा वाला रिप्लाई थोड़ा अच्छा लगता है मेरे को, इसलिए मैं थोड़ा सा फोर्स करता हूँ कि हम और ज़ोर से जय मसीह की बोलें, क्योंकि हम और कुछ नहीं कह रहे, गुड मॉर्निंग भी नहीं कह रहे, हम प्रेज कर रहे हैं किसकी किसकी, तो जय मसीह की तो हम ज़ोर से बोल सकते हैं, है ना। जय मसीह की। यस। हम लोग जो हैं वचन में जाएंगे और हम लोग एक सीरीज़ कर रहे हैं और सीरीज़ का जो शीर्षक है वो है रेयर। और इस सीरीज़ में आप सभी को पता है हम मरकुस की किताब या गॉस्पल ऑफ मार्क जो है उस पे मनन कर रहे हैं। और अभी तक हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं। पिछले हफ्ते अगर आप यहाँ पे थे और आपको अगर याद है तो हम लोगों ने पिछले हफ्ते देखा था मरकुस 1:21 से लेकर 28 तक हम लोगों ने देखा था, है ना। मार्क चैप्टर 1:21-28 हमने देखा था और हमने देखा था यीशु मसीह के अधिकार के बारे में, है ना। हमने ये देखा था कि जीसस हैज द अथॉरिटी, इस बारे में हमने देखा था। और उनके पास अथॉरिटी क्यों है? बिकॉज ही इज गॉड, है ना। हमने यीशु मसीह की अथॉरिटी के बारे में देखा था और हमने ये देखा था कि उसमें सामर्थ है, उसमें अधिकार है, और वो अधिकार इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह प्रभु है। आमेन। यीशु मसीह प्रभु है। आमेन। हाँ, हमने देखा था कि जीसस हैज़ दी अथॉरिटी टू हील, है ना। हमने ये देखा था कि यीशु मसीह में अधिकार है कि वो दुष्ट आत्माओं को बोलें कि तू चली जा, तो वो आज्ञा मान के चली जाती है, है ना। हमने देखा था जीसस हैज़ दी अथॉरिटी टू सेव अस एंड फ्री अस फ्रॉम आवर सिंस, हमारे पापों से हमें छुड़ाने का भी सामर्थ और अधिकार यीशु मसीह में है। हमने ये सारी चीज़ें पिछले हफ्ते देखी थी। बट नाउ इमेजिन विद मी, ओके। आप मेरे साथ एक चीज इमेजिन करें, आप किसी चीज के लिए बहुत डेस्परेटली प्रार्थना कर रहे हैं, हाँ। आप जो हैं किसी बात के लिए बहुत डेस्परेटली प्रार्थना कर रहे हैं, वो शायद हो सकता है कि कोई जॉब चेंज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु इस जगह पे मुझे कोई ओपनिंग मिल सके, या आप प्रार्थना कर रहे हैं किसी की चंगाई के लिए, या आप किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि अरे ये व्यक्ति चला जाए मेरे ऑफिस से, मेरे जीवन से, या इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना। काफ़ी असली लग गए लोग, नहीं ये लगता सच है, आई एम जस्ट किडिंग। सो आप शायद ये प्रार्थना कर रहे हैं कि ये व्यक्ति आ जाए, हाँ, मेरे जीवन में, हाँ। ये सारी चीज़ें शायद आप डेस्परेटली प्रेयर कर रहे हैं। नाउ अगर आपको कोई चॉइस दी जाए इस चीज़ में, और चॉइस ये कि आपको ये चुनने को बोला जाए कि या तो आप ये चुने कि ये प्रार्थना आपकी पूरी हो, या दूसरा चॉइस आपको मिल जाए कि परमेश्वर की इच्छा हो। आई होप आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड, हाँ। अगर आपको ये चॉइस दी जाए इस प्रार्थना में जो आप डेस्परेटली प्रेयर कर रहे हैं कि प्रभु ये प्रार्थना पूरी हो जाए, ये चुनूंगा, या प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, तो आप क्या चुनेंगे? मुझे बताइएगा मत, हाँ, मुझे बताइएगा मत, लेकिन आप अपने दिमाग में सोचें आप क्या चुनेंगे। अब ये मत बोलेगा कि प्रभु की इच्छा मांग रहा हूं और बैक ऑफ द माइंड मेरा ये है कि अरे ये पूरी तो हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, मैं बस कह रहा हूं कि चॉइस कि ये प्रार्थना पूरी हो जाए या फिर प्रभु तेरी इच्छा हो, तो आप क्या चुनेंगे, आप क्या चूज करेंगे? एंड आई एम श्योर आपने डिसीजन बना लिया, आपने अपने दिमाग में डिसीजन बना लिया है, एंड आई जस्ट वॉन्ट यू टू होल्ड इट। जब हम आगे वचन में जाते हैं, ये जो डिसीजन आपने बनाया है इसको आप जो है पकड़ के रखें, ठीक है, भूलिएगा नहीं, ओके। सो अभी तक हमने मरकुस की इस इंजील में क्या क्या देखा है? हमने देखा है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आता है और जो है उसके बाद वो सीन से चला जाता है और यीशु मसीह जो है वो लीड में आ जाते हैं, हाँ। हमने ये देखा है फिर यीशु मसीह अपने चार चेलों को बुलाते हैं, पतरस, अंद्रियास, जेम्स एंड जॉन। फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों के साथ कैपरनौम में है, वहाँ सिनेगॉग में है, और वहाँ पे एक व्यक्ति आता है जो दुष्ट आत्मा ग्रसित है। यहाँ तक हमने देखा है, और अगर आप होम ग्रुप का हिस्सा है तो होम ग्रुप में हमने इससे थोड़ा आगे भी देखा है कि
यीशु मसीह पत्रस की जो मदर इन लॉ है और भी अलग लोग हैं उनको चंगा करते हैं। हमने ये सारी चीजें देखा है और फिर जब हम आगे देखते हैं इसी सेम खंड में, हम ये देखते हैं ये चंगाई और ये सब के बाद जो है यीशु मसीह एक अलग जगह पे चले जाते हैं प्रार्थना करने के लिए। यीशु मसीह जो है एक अलग जगह पे चले जाते हैं प्रार्थना करने के लिए सुबह सुबह, और फिर उसके बाद जो है उसके चेले उनको ढूंढते रहते हैं कि अरे यीशु मसीह कहाँ गए, और जब उनको मिल जाते हैं यीशु मसीह तो कहते हैं अरे तुम यहाँ हो यीशु मसीह, बहुत सारे लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, चलो चलते हैं उन लोग के पास। और फिर यीशु मसीह उनको जवाब देते हैं कि नहीं मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, मैं नहीं वहाँ जाना चाहता, लेकिन आइए हम लोग किसी और जगह चलें और मैं जो है और आराधनालयों में प्रचार करना चाहता हूँ, क्योंकि इसीलिए मैं बुलाया गया हूँ। और वो आराधनालयों में प्रचार करते हैं, लोगों को चंगा करते हैं, ईविल स्पिरिट से लोगों को मुक्ति देते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। एक्सक्यूज मी, मेरा गला थोड़ा खराब है, बट दैट्स ओके। तो आज जो है अब इस खंड में हम लोग आएंगे, ये सब चीज़ हुई है और आज जो है हम फोकस करेंगे मरकुस 1:40 से लेके 45 तक जो है हम फोकस करेंगे। सो आप निकाल सकते हैं अपनी बाइबल में मरकुस 1:40 से लेके 45 आयत तक। प्लीज अलाउ मी टू ड्रिंक वाटर बीच बीच में, नहीं तो मैं खांसता रहूंगा और बोल नहीं पाऊंगा कुछ। सो ओके, सो आई होप आपने निकाल लिया है मरकुस 1:40 से लेके 45 आयत तक। अब इस खंड को अगर मैं टाइमलाइन में रखूं तो मत्ती 8 के अनुसार जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह सर्मन ऑन द माउंट पे हैं, माउंट पे हैं जहाँ पे सर्मन दे रहे हैं, सर्मन ऑन द माउंट नहीं है लेकिन एक पहाड़ पे हैं और वहाँ पे उन्होंने सर्मन दिया है और वो वहाँ से अब नीचे उतर रहे हैं और उस जगह पे जो है ये सिनारियो होता है। और जब यीशु मसीह आते हैं नीचे तो जो है एक कोड़ी आता है उनके पास, हाँ एक कोड़ी, एक लेपर आता है उनके पास, और जो है अब ये खंड शुरू होता है। 40वीं आयत जो है मेरे साथ आप पढ़ सकते हैं, यहाँ लिखा है एक कोड़ी उसके पास आया, उनसे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा यदि तू चाहे तो मुझे क्या कर सकता है, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। कौन सा व्यक्ति आया यीशु मसीह के पास? एक कोढ़ी व्यक्ति। आई होप आप कोढ़ी या कोढ़ के बारे में जानते हैं। हाँ, लेप्रसी जो है आज के समय में बोलें या उस समय में बोलें तो बहुत ही भयानक एक बीमारी थी यीशु मसीह के समय में, और आज भी जो है कोढ़ पाया जाता है। वो अलग बात है कि हम में से कई लोग इम्यून हैं, हाँ हम में से कई लोग इम्यून हो चुके हैं, लेकिन कोढ़ की बीमारी अभी भी पाई जाती है। यीशु मसीह के समय में लेप्रसी वॉज कंसिडर्ड एज द मोस्ट डेंजरस डिजीज। हाँ, यीशु मसीह के समय में कोढ़ जो है एक बहुत ही भयंकर बीमारी को गिना जाता था। अगर बोले तो उस समय की कोविड थी, वो यीशु मसीह के समय का कोविड था बेसिकली कोढ़। प्लीज़ अब आप व्हाट्सएप मैसेज पे मत जाइएगा कि उस समय का कोढ़ आज आ गया है, ऐसा नहीं है, दो अलग अलग चीज़ है, ठीक है। सो उस समय का बहुत ही भयंकर बीमारी थी, और जब आप वचन भी पढ़ेंगे इस बीमारी के ऊपर लॉ भी है। लेविटिकस 13 में जब आप देखते हैं तो हम लेप्रसी के बारे में पाते हैं कि जो भी व्यक्ति जिसको कोढ़ हो चुका है तो वो अशुद्ध व्यक्ति है। हाँ, और ये जो कोढ़ से ग्रसित लोग होते थे ना, ये इनकी हालत बहुत खराब होती थी, समाज से इनको निकाल दिया जाता था, एक आउटकास्ट की जिंदगी जीते थे, इनको जो है समाज के किसी भी जगह पे इनको गिना नहीं जाता था। हाँ, इवन अगर हम वर्शिप कर रहे हैं ऐसे और कोई कोढ़ी आ जाए तो उसको वहीं रोक दिया जाता था कि तुम अंदर मत आओ। हाँ, और उस समय ऐसा बुरी हालत थी। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी अगर देखें तो जो आउटकास्ट लोग होते थे उनके साथ भी ऐसा किया जाता था। अगर आप रिलेट कर रहे हैं तो वो स्थिति होती थी कोढ़ से ग्रसित व्यक्ति की। हाँ, इनफैक्ट अगर इसको और सीरियसली बोलूं तो जिनको कोढ़ होता था उस समय उनको ये कहा जाता था कि अरे तेरे पे जो है परमेश्वर का श्राप है। कोढ़ी जो था उसको लोग ऐसे देखते थे कि गॉड हैज पनिश्ड हिम, उस पे जो है लोग इस तरीके से जो है तुच्छ गिने जाते थे। जब कोई कोढ़ी सामने से आ रहा होता था तो वो जो है दूर से चिल्लाता था कि अरे मैं आ रहा हूं, मुझे कोढ़ हो रहा है, इसलिए कि जो आसपास के लोग हैं वो पहले से उसके लिए जगह बना दें और वो आगे से निकल जाए। तो ऐसी बुरी हालत थी। हाँ, सच पर्सन, ये जो व्यक्ति है जो यीशु मसीह के पास आ रहा है ये आउटकास्ट है।
हाँ, ऐसा गिना जा रहा है कि इसमें तो परमेश्वर ने अपना कहर बरसाया है। ये जो है मिजरेबल है, इसकी हालत बहुत बुरी है, पथेटिक है। हाँ, लोग जो है उसको बड़ी बुरी नजर से देखते हैं, नीचा देखते हैं, इसकी कोई सोशल लाइफ नहीं है। हाँ, अब बाहर ही रहता है, ये समाज से बिल्कुल बाहर है। समाज ने से ज्यादा इसके अपने परिवार ने इसको फेंक दिया है बाहर, कि अब ये हमारे परिवार में रहने के लायक नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर जो है ये व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है। हाँ, ही कम्स टू जीसस एंड सेज, क्या लिखा है आपकी बाइबल में? यीशु मसीह के पास आता है और क्या कहता है? यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। एक सवाल, इज इट डाउटिंग जीसस पावर? क्या ये यीशु मसीह की सामर्थ और अधिकार पे सवाल उठा रहा है या डाउट कर रहा है? हाँ, देखिए, जब हम इस व्यक्ति को समझते हैं, और ये क्यों बोल रहा है, हमें ये समझना चाहिए कि इस व्यक्ति की सिचुएशन कैसी है। हाँ, इस व्यक्ति की सिचुएशन कैसी है, मैंने बताया इसकी बहुत बुरी हालत है। और जब ये बोल रहा है कि यीशु मसीह यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है, हम एक चीज नोटिस कर सकते हैं, ही इज वेरी हेल्पलेस एंड होपलेस। ये यीशु मसीह की सामर्थ पे डाउट नहीं कर रहा है, लेकिन ये बहुत ही आशाहीन हो चुका है। ही इज नॉट डाउटिंग जीसस इज पावर। ये मत सोचिए कि ये क्वेश्चन कर रहा है कि यदि तू मुझे चंगा कर सकता है कि नहीं, वो ही नहीं बोल रहा है। लेकिन वो रिजेक्ट होते होते थक चुका है। समाज ने रिजेक्ट कर दिया है, हाँ, मेरी फैमिली ने रिजेक्ट कर दिया है, मेरे को कम्युनिटी ने रिजेक्ट कर दिया है, और तो और जो आराधनालयों में शिक्षक हैं, जो आराधनालयों में रब्बाए हैं, उन्होंने भी जो है मुझे रिजेक्ट कर दिया है। और जब वो यीशु मसीह से पूछते हैं, यीशु मसीह तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है, तो वो उसकी पावर पे डाउट नहीं कर रहा है, लेकिन वो ये सोच रहा है कि क्या यीशु मुझे एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। यहां पे हम देखते हैं, ही वॉन्टेड जीसस एक्सेप्टेंस एंड विलिंगनेस टू हील। जब वो ये बोलता है तो वो यही चाह रहा है कि वो ये जानना चाह रहा है कि क्या यीशु मसीह मुझे एक्सेप्ट करेंगे या वो मुझे हील करेंगे कि नहीं, कर पाएंगे नहीं, करेंगे कि नहीं, क्योंकि मैं रिजेक्ट होते होते इतना थक चुका हूं। एक और सवाल, व्हाट डू यू थिंक, इज इट डेस्परेट टू बी हील्ड? उसके अंदर वो डेस्परेशन क्या हम देख सकते हैं कि वो चंगा होना चाहता है, बहुत ज्यादा चाहता है कि वो चंगा हो। हाँ, उसकी डेस्परेशन, उसकी जो उतारू रीति है कि मुझे चंगाई मिले, वो हम देख सकते हैं यहां पे। लेकिन तब भी वो यीशु मसीह से कहता है, यदि तू चाहे तो मुझे चंगा या मुझे शुद्ध कर सकता है। आपको पता है, मेनी अ टाइम्स हमारी प्रार्थनाएं ऐसी होती है कि हम यीशु मसीह से डिमांड करते हैं। हमारी प्रार्थनाएं ऐसी होती हैं कि हम यीशु मसीह से डिमांड करते हैं मेरी प्रार्थनाओं को पूरा होने के लिए। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि मैं इसमें कम हूं, इट्स कॉमन टू ऑल ऑफ अस। हमारे लिए ये बिल्कुल कॉमन है, हम सब में ये पाया जाता है। लेकिन जो ये फ्रेज है, जो कि ये व्यक्ति कह रहा है ना कि यीशु मसीह तू चाहे, तो यहां पे हमारे लिए एक चीज आती है, वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू डिमांड गॉड कि हमारी प्रार्थनाएं पूरी हों। हम में से कोई भी ऐसी किसी भी पोजीशन में नहीं है कि मैं डिमांड कर सकूं परमेश्वर से कि प्रभु मेरी प्रार्थना पूरी कर। लेकिन व्हेन आवर प्रेयर्स आर फुलफिल्ड, इट इज ओनली थ्रू द ग्रेस ऑफ गॉड। जब मेरी प्रार्थनाएं पूरी हो जाती हैं, तो ये मेरी डिमांड नहीं है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। ये हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बहुत सारी समय पे डिमांड करते हैं, प्रभु तू ये पूरा कर। लेकिन जब वो प्रार्थना पूरी होती है, मेरी डिमांड नहीं है, इट इज ओनली कि प्रभु का अनुग्रह मुझ पे हुआ है। हा? और यहां हमारे लिए एक चीज आती है, गॉड्स विल इज मोर इंपॉर्टेंट देन आर डेस्परेट प्रेयर्स। परमेश्वर की इच्छा मेरी डेस्परेट प्रेयर से भी कहीं ज्यादा है। आमेन। हाँ, गॉड्स विल इज मोर इंपॉर्टेंट देन आर मोस्ट डेस्परेट प्रेयर्स। इट्स मोर इंपॉर्टेंट। एक चीज हम पढ़ेंगे, लूका 22 उसका 42वीं आयत, लूक 22:42। बहुत फेमस वर्स है, गुड फ्राइडे आने वाला है, हम इस पे बात करते हैं। लेकिन
कोई भी निकाल के पढ़ दीजिए। थैंक यू। हाँ, यीशु मसीह कह रहे हैं कि यदि पिता यदि तू चाहे तो ये कटोरा मेरे ऊपर से हटा ले, लेकिन मेरी नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। जब बात आती ना टोटल सरेंडर की, हमने गीत भी गाया, हमने गीतों के समय में मैंने बोला था कि आई हम सरेंडर करें, दिस इज कॉल्ड टोटल सरेंडर। हाँ, जब मेरे लिए इनकन्वीनियंट है वो चीज़ सहना, लेकिन तब भी मैं बोलूँ कि प्रभु मेरी नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो, उसे कहते हैं सरेंडर। हाँ, कभी कभी हम लोग जो है कंफर्ट में भी सरेंडर करते हैं, कंफर्टेबल सरेंडर करते हैं कि प्रभु इतना सरेंडर करूँगा, ये मुझे संभालने दो। लेकिन जब बात आती है सरेंडर की, हाँ, दिस इज कॉल्ड टोटल सरेंडर। एंड यहाँ पे मैं आपको फिर से वो इनकरेज करूँगा, वो प्रार्थना याद करें इस समय जो आप डेस्परेटली चाह रहे हैं कि पूरी हो। मैं ये नहीं बोल रहा हीलिंग की या किसी को प्रभु में आने की, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ वो प्रार्थना याद करें जो आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और डेस्परेटली चाह रहे हैं कि वो पूरी हो, उसको याद करें। और मैं ये सवाल पूछूंगा उस प्रार्थना को लेके, आर यू रेडी टू से कि यीशु मसीह अगर आपकी इच्छा हो तो पूरा करें। आर यू रेडी टू से दिस? हाँ, जो आप डेस्परेटली प्रार्थना कर रहे हैं, जो आप डेस्परेटली मांग रहे हैं, उस प्रार्थना को लेके क्या आप ये कह सकते हैं, आर यू रेडी टू से दिस कि जीसस इफ यू आर विलिंग देन फुलफिल इट। प्रभु अगर तेरी इच्छा है, यीशु मसीह जी अगर आपकी इच्छा है तो ही आप पूरा करें। 41वीं आयत में चलते हैं। 41वीं आयत क्या कहती है? उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उससे छूकर कहा, क्या कहा? एक बार फिर से, हाउ ब्यूटिफुल इट इज ना, कितना सुंदर है कि यीशु मसीह कहते हैं कि मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। एंड बाइबल कहती है इससे पहले कि उसने उस पर तरस खाया। हा? उसने उस पर तरस खाकर कहा, उसने उस पर तरस खाया। और ये जो वर्ड है ना तरस, इंग्लिश में आई थिंक इट इज कंपैशनेट। हाँ, ये जो वर्ड है ये गॉस्पल्स में यूज हुआ है ज्यादातर, और यीशु मसीह से रिलेट करके ही हुआ है। और यहां पे भी हम देखते हैं जीसस हैड कंपैशन ऑन हिम, यीशु मसीह ने जो है उस पर तरस खाया। हाँ, और मार्क हमारे सामने ये रिवील करता है यीशु मसीह के बारे में, हाँ यीशु मसीह प्रभु है, हाँ यीशु मसीह में सामर्थ है, बट ही इज ऑल्सो अ कंपैशनेट गॉड। यीशु मसीह में सामर्थ है, यीशु मसीह में अधिकार है, लेकिन साथ ही वो दयालु परमेश्वर भी है। वो दूसरे देवी देवताओं की तरह नहीं है कि वो अपने भाला लेके मारने के लिए तुला हुआ है कि तूने पाप किया आज अब दंड से है, वो ऐसा नहीं है। हाँ, हम यहाँ पे उसके कंपैशन को देखते हैं, हम उसकी दया को देखते हैं। और यहाँ पे जब वो बात कर रहा है कि उसने उस पर तरस खाया, प्लीज़ इसको इस तरीके से मत लीजिएगा कि अरे बेचारा इतना परेशान है, बेचारा नहीं। यहां पे हम यीशु मसीह के प्रेम को देख सकते हैं। जब वो वर्ड यूज कर तरस खा रहा है तो वो बेसिकली उसके प्रेम को दर्शा रहा है, पिटी को नहीं दर्शा रहा है। तरस खाना मतलब ये नहीं कि कितना बेचारा व्यक्ति है इसको मैं हील कर देता हूं, नहीं, वो इस तरीके से दिखा रहा है क्योंकि मैं इससे प्रेम करता हूं इसलिए मैं इसको चंगा करूंगा। दोनों में फर्क है। यीशु मसीह का जो दया है वो जो है उसके प्रेम को दर्शाती है, बेचारापन नहीं। यीशु मसीह जब आप पे दया दिखाता है तो आपको बिचारा या तरस वो तरीके से नहीं, लेकिन वो आपसे प्रेम कर रहा है, उस चीज को यहां पे जो है मार्क हमारे सामने लेके आता है। सो यीशु मसीह ने उस पे तरस खाया और फिर उसके बाद क्या लिखा है आपकी बाइबल में? नहीं नहीं नहीं, एक मिस कर दिया आपने। उसने तरस खाया और हाथ बढ़ाया और छूकर, हाँ छूकर, दैट नीड्स टू बी नोटिस्ड। वो चीज को जरूर नोटिस करना जरूरी है। हाँ, वो जो छूने का जो मतलब है ना वो जरूर हमें नोटिस करना है। क्यों? क्योंकि ये जो कोड़ी है इसका, इसके लिए एक मिथ थी ये कि अगर मैं इसको छूंगा तो इसका कोड़ मुझे भी लग जाएगा। इसी वजह से लोग इनको छूते नहीं थे, इनको आउटकास्ट कर देते, इसलिए इनको जो है निकाल देते थे बाहर। यहां पे यीशु मसीह उल्टा कर रहा है। हाँ,
लोग को यह लगता था कि अगर मैं इसको छू लूंगा तो इसका कोड मुझ पे हो जाएगा। सिर्फ लोग ही नहीं, उस समय के रब्बाइज भी इस तरीके से करते थे कि इसको मैं छूंगा नहीं, इसको दूर ही रहने दो, हाँ इसको बाहर ही रख दो। लेकिन यहां पे हम कुछ और देखते हैं। जीसस एक्सप्रेस्ड हिज कंपैशन विद अ फिजिकल जेस्चर। हाँ, यीशु मसीह ने अपना जो दया है, मैं तरस वर्ड नहीं बोलूंगा, लेकिन यीशु मसीह ने जो अपना दया है उस पर दिखाई कैसे? छूकर। हाँ, छूकर। नाउ इमेजिन दिस, आप ये सोचिए, ये छूने का उस पर कितना बड़ा असर पड़ा होगा। हाँ, शब्दों से ही नहीं लेकिन कार्यों से कितना बड़ा असर पड़ा होगा। जब मैं बीएसडब्ल्यू कर रहा था, मैं अपने थर्ड ईयर में था बीएसडब्ल्यू के लिए, और हमें एक ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने पोस्ट कर दिया था, इंटर्नशिप के लिए भेज दिया था। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्ट्रीट चिल्ड्रन जो होते हैं ना, उनके बीच में काम करती है। ये स्ट्रीट चिल्ड्रन जो है आप देख सकते हैं, चाहे वो पुल के साथ में आपको दिखे या बहुत ज़्यादा ये ट्रेन ट्रैक्स पे दिखते हैं, ये जो बच्चे हैं। हाँ, और हम लोग जो है इनके साथ काम करते थे, मैं इंटर्नशिप करता था, और हमें इन बच्चों के बीच में उन्होंने भेज दिया। बहुत सारे बच्चे थे, एंड एवरी चाइल्ड हैड अ स्टोरी, हर एक बच्चे की अपनी एक कहानी थी। हाँ, एक बच्चा, कुछ बच्चे जो हैं वो शायद इसलिए भाग के आ गए थे दिल्ली क्योंकि उनको घर में बहुत पिटाई हुई, हाँ, और इतना दर्दनाक तरीके से मारा कि आज बच्चे ने ठान लिया कि मैं छोड़ के भाग रहा हूँ। कुछ बच्चों को उनके घर वाले छोड़ के चले जाते थे ट्रेन में, और वो बच्चे ट्रेन से दिल्ली पहुंच गए। और इन बच्चों की हालत जो है बहुत बुरी होती थी, ये ड्रग्स में थे, ये अलग अलग एडिक्शन में थे, लड़ाई झगड़े में थे। हम लोग जब गए इनके साथ तो हमने देखा, इनके साथ हम इन्वॉल्व हुए, इनके साथ हम खेलते थे, इनके घर में इनका हम देख के आए कि कौन सी जगह में ये रहते हैं, हाँ कहाँ रहते हैं, क्या खाना खाते हैं, क्या इनका फ्रेंड सर्कल है। एंड हमें ये बोला गया था कि आप इनके साथ दोस्ती बनाओ। एंड आई हैड लॉट ऑफ फ्रेंड्स, छोटे छोटे बच्चे थे, हाँ, एंड हैड लॉट ऑफ फ्रेंड्स। जब मैं वहाँ से छोड़ रहा था तो मेरे जो सुपरवाइजर थे, उन्होंने जो बंच था हम लोग आए थे, तो उनको उन्होंने हमें यही बोला कि क्योंकि आप इन बच्चों के साथ इन्वॉल्व हुए, आज बहुत सारे बच्चे जो हैं उससे बाहर निकल के पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि आप इनके साथ इन्वॉल्व हुए, आप लोग और भी लोग जो थे, ये बच्चों के अंदर चेंज आया। हाँ, और वही चीज जो है अगर हम यहाँ पे देखें, आसपास आप देख लीजिए दिल्ली में, इन बच्चों को कोई नहीं देखता है। हाँ, इन बच्चों को कोई नहीं देखता है, लेकिन जब आप इनके साथ इन्वॉल्व हुए, जब मैं इनके साथ इन्वॉल्व हुआ, इनके जीवन में चेंज आया। और यहाँ पे भी ये कोढ़ी व्यक्ति मिजरेबल था, हाँ, लेकिन जब यीशु मसीह ने इसको छुआ, एक पर्सनल कनेक्ट शुरू हो गया। हाँ, दूसरों को तो लगा था कि ये अनक्लीन है, लेकिन बड़े सुंदर तरीके से ना एक 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 कमेंटेटर कहते हैं कि जीसस टुक अ रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। हाँ, यीशु मसीह ने जो है इन्फेक्शन का रिस्क लिया। हाँ, इन्फेक्शन का रिस्क लिया। रिलीजियस जो अंडरस्टैंडिंग थी कि तुम अगर छूओगे तो अनक्लीन हो जाओगे, अनक्लीन होने का भी रिस्क लिया जस्ट बिकॉज कि ये व्यक्ति बदल सके। और यही जो सिनेरियो है ना, ये छूना वर्ड बहुत डीप है। ये छूना वर्ड यीशु मसीह का जो कार्य है ना क्रूस पे, वो दर्शाता है। हाँ, यीशु मसीह आए, हम लोग अनक्लीन थे, हाँ हम लोग पाप में थे, हम लोग पाप की गुलामी में थे। जब यीशु मसीह आए तो यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और हमें जो है शुद्ध कर दिया। हाँ, यीशु मसीह पाप बना हमारे लिए, और वो चीज हम यहां पे देखते हैं। जीसस गॉट इन्वॉल्व्ड इन दैट पर्सन्स लाइफ। यीशु मसीह उस कोड़ी के जीवन में इन्वॉल्व हुआ। और मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं, सोच सकते हैं, आर यू इन्वॉल्व्ड इन समवन्स लाइफ टू ब्रिंग चेंज? क्या आप किसी के जीवन में इन्वॉल्व्ड हैं एक बदलाव लाने के लिए? एक बदलाव लाने के लिए क्या आप किसी के जीवन में इन्वॉल्व हैं कि नहीं? क्योंकि अगर मत्ती 28 देखें तो हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम क्या करें, सुसमाचार तो प्रचार करना है, लेकिन उससे आगे कहता है चेला बनाओ। हाँ, चेला बनाओ। हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सुसमाचार प्रचार करने के साथ साथ चेले बनाएं। आर यू इन्वॉल्व? हाँ,
मैं हम सभी को ये इंकरेजमेंट देना चाहता हूं कि गेट इन्वॉल्व इन somebody's लाइफ, हाँ, गेट इन्वॉल्व इन somebody's लाइफ, कि आप एक चेंज का कारण बने उनके जीवन में, एक चेंज का कारण बने उनके जीवन में। और यहां पे यीशु मसीह ने उसे छुआ और फिर यीशु मसीह ने बोला, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। हाँ, क्या सवाल किया था इस व्यक्ति ने, जो कोढ़ी व्यक्ति है, उसने क्या सवाल किया था? यदि तू चाहे तो मैं शुद्ध हो सकता। जवाब मिल गया, हाँ, जवाब मिल गया। यीशु मसीह कहते हैं, हां मैं चाहता हूं, हां मैं चाहता हूं। फॉर दिस मैन जीसस विलिंगनेस वॉज मोर इंपॉर्टेंट देन हीलिंग एंड जीसस गेव अ रिस्पॉन्स। इस व्यक्ति के लिए चंगाई से ज्यादा यीशु मसीह की इच्छा जरूरी है, हाँ, यीशु मसीह की इच्छा जरूरी है। और उसके बाद ये उसको जवाब मिल गया। यीशु मसीह कहता है, यस आई विल, हां मैं ये करूंगा, हां मैं ये करूंगा। आपको पता है कभी कभार जो है ना, हमें बस यही कहना है, प्रभु या यीशु मसीह जी, मेरी नहीं लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो। कभी कभार हमें बस यही कहना है कि यीशु मसीह जी, नॉट माई विल बट योर्स बी डन। लेकिन हम लोग कभी कभी ये समझते हैं कि ये परमेश्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरी प्रार्थनाएं पूरी हो। हाँ, लेट मी से दिस अगेन, हम में से कई लोग ये समझते हैं कि अब परमेश्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरी प्रार्थनाएं पूरी हो। क्यों? मैंने 40 दिन का फास्ट रखा है प्रभु, अब तो तुम्हें प्रार्थना करनी पड़ेगी, मेरी पूरी करनी पड़ेगी। अरे मैं तो इतना समय चर्च आ रहा हूं प्रभु, तुम्हें दिख नहीं रहा, तुम्हें मेरी प्रार्थना पूरी करनी चाहिए। हाँ, मैं मिनिस्ट्री में इतना इन्वॉल्व हूं प्रभु, तुम्हें मेरी प्रार्थना पूरी करनी चाहिए। नहीं, प्लीज, गॉड इज नॉट ऑब्लाइज्ड टू फुलफिल योर प्रेयर्स। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाएं पूरी करने के लिए बाध्य नहीं है। हाँ, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाएं पूरी करने के लिए बाध्य नहीं है। वो आपकी प्रार्थनाएं इसलिए पूरी करता है क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, बस। वो आपकी प्रार्थनाएं पूरी इसलिए करता है क्योंकि वो आपसे और मुझसे प्रेम करता है, और कुछ नहीं है। ना मेरे में सामर्थ है, ना मेरी प्रार्थनाओं में सामर्थ है, ना मेरी फास्टिंग से मैं परमेश्वर की वो चाबी घुमा सकता हूं और मेरी प्रार्थनाएं पूरी हो जाएंगी। प्लीज डोंट टेक गॉड एज एन ATM मशीन। फास्टिंग कार्ड, ओ प्रेयर्स आंसर्ड। हाँ, मिनिस्ट्री कार्ड, प्रेयर्स आंसर्ड। हाँ, वर्शिप म्यूजिक, वर्शिप टीम को बोल रहा हूं, लेकिन वर्शिप मिनिस्ट्री कार्ड, माई प्रेयर फुलफिल्ड। इनफैक्ट 9 o'clock प्रेयर कार्ड एंड माई प्रेयर फुलफिल्ड। प्लीज, गॉड इज नॉट ऑब्लाइज टू फुलफिल आवर प्रेयर्स। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को पूरा करने के लिए बाध्य है? नहीं है, नहीं है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, वो हमारी प्रार्थनाओं को पूरा करता है। और यहां पे हम उसके प्रेम को देखते हैं। प्लीज कोई पढ़ दीजिए 42 वर्स। सी, है ना, उसका कोड जाता रहा और वो शुद्ध हो गया। एक और सवाल, इज दिस हीलिंग? ये हीलिंग है ना, ये चंगाई है? हाँ, हाँ, कौन कौन कहते हैं ये चंगाई है? चंगाई है ना, बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन मरकुस जब यहां पे लिखता है तो वो क्या लिख रहा है? हाँ, अरे तो उसको चंगाई, उसको तो ये लिखना चाहिए था कि ये चंगा हो गया, तो ये क्यों लिख रहा है कि ये शुद्ध हो गया? हाँ, ये क्यों लिख रहा है कि वो शुद्ध हो गया? इट इज बिकॉज जीसस नॉट ओनली हील्ड दिस मैन फ्रॉम द डिजीज बट ही हील्ड हिम होलिस्टिकली। यीशु मसीह ने सिर्फ उसको शारीरिक चंगाई नहीं दी, लेकिन उसको चारों कोनों से चंगाई दे दी, चारों दिशाओं से चंगाई दे दी। हाँ,
चारों दिशाओं से चंगाई दे दी, सिर्फ शारीरिक चंगाई नहीं मिली उसको, लेकिन चारों दिशाओं से उसको चंगाई मिली। वो शुद्ध हो गया अपने कोड़ से, वो शुद्ध हो गया समाज से जो इनडिग्निटी उसको मिली थी, समाज से जो नीचापन उसको मिला था उससे शुद्ध हो गया। रिलीजियसली अशुद्धता से वो शुद्ध हो गया। लोगों ने जो उसको जज किया था कि यार इस पे तो परमेश्वर का कहर बरसा है, उससे वो शुद्ध हो गया। लोगों के तरस खाने से, अरे बेचारा कितना बुरा आदमी है, हाँ उससे वो शुद्ध हो गया। उसकी आशाहीन स्थिति से वो शुद्ध हो गया। सिर्फ शारीरिक उसको चंगाई नहीं मिली, दिस मैन इज नॉट ओनली हील्ड फिजिकली बट ही इज हील्ड कंप्लीटली। हाँ, और यही चीज जो है हमें, पहली चीज जो हमें पता चलती है कि जब यीशु मसीह चंगाई देते हैं तो वो पूर्ण चंगाई देते हैं। हाँ, जीसस ब्रिंग्स होलिस्टिक हीलिंग। यीशु मसीह जो है पूर्ण चंगाई देते हैं। प्लीज कोई मैसेज निकाल के पढ़ लीजिए, यूहन्ना 5:9। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है ना, जिस खाट पे वो लेट के आया था उसी खाट को वो उठा के चला। हाँ, ये सिर्फ एक मिरेकल नहीं है। यहां पे भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने पूरी तरीके से उसको चंगाई मिली। हाँ, जिस खाट पे वो बंधा हुआ था उस खाट से उसको शुद्धता मिली, चंगाई मिली एंड फ्रीडम मिला। यहां पे भी हम वही देखते हैं। हाँ, ही नॉट ओनली हील्स मी फिजिकली बट ब्रिंग्स हीलिंग From all spheres of life. यीशु मसीह जब आपको और मुझे चंगा करता है तो वो सिर्फ मेरे को शारीरिक रूप से चंगा नहीं करता है, लेकिन मुझे अपने जीवन के हर एक स्थिति में चंगा करता है। हर एक स्थिति जो मैं, जिसमें मैं बंधा हुआ हूं, उससे चंगा करता है। When I surrender to God's will, जब मैं प्रभु यीशु मसीह की इच्छा पे अपने आप को सरेंडर करता हूं, यीशु मसीह जो है मुझे पूर्ण चंगाई देता है। इस व्यक्ति ने यह नहीं बोला कि मुझे चंगा कर, उसने बोला यदि तू चाहे। और जब ऐसा होता है तो परमेश्वर यीशु मसीह जो है मुझे पूरी तरीके से चंगाई देता है, हर एंगल से चंगाई देता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। हाँ, 43 and 44 verses कहता है, तब उसने उसे चिताकर तुरंत विदा किया और उससे कहा, देख किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ा कि उन पर गवाही हो। अब यहां पे यीशु मसीह कह रहा है कि किसी से कुछ मत कहना। हाँ, यहां पे यीशु मसीह कह रहा है कि किसी से कुछ मत कहना। क्यों? हाँ, दिस मिराकुलस हीलिंग वुड हैव एडेड पॉपुलैरिटी, क्योंकि यीशु मसीह तो सेवका ही कर रहे हैं। ये हीलिंग तो एक बहुत अच्छा होता कि लोग खींचे चले आए। हाँ, लेकिन यीशु मसीह ने उसे बोला कि किसी से मत कहना, किसी से मत कहना। ऐसा क्यों? इनफैक्ट जब आप और भी जगह पढ़ेंगे यीशु, ये जो सुसमाचार है, बहुत सारी जगहों पर यीशु मसीह ने बोला किसी से मत कहना, किसी से मत कहना। क्यों? हाँ, वो इसलिए कि जब यीशु मसीह आए यहां पे, वो पॉपुलर होने नहीं आए, वो परमेश्वर की इच्छा पूरी करने आए। दोनों में अलग सा थोड़ा सा अंतर है। When Jesus came, he didn't come here to be popular, हाँ, जो कि हम आसपास देखते हैं बहुत सारे गुरुओं को, they want to be popular, हाँ, लेकिन जब यीशु मसीह आए, he came here just to do God's will। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि शायद ये जो पब्लिसिटी है, हाँ, पब्लिसिटी है, वो शायद उन लोग को खींच के लेके आए जिनका मैसेज से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हीलिंग से लेना देना है। हाँ, जब यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम किसी से जाके कहना मत, वो इसलिए है कि पब्लिसिटी जब होगी तो आधे से ज्यादा लोग तो खींचे इसलिए चले आएंगे कि चंगाई हो रही है, अरे चलो, अरे वो बहुत बड़ी मीटिंग हो रही है, वहां 2000 लोग आते हैं और वो अपने हाथ हिलाते हैं, लोग गिर जाते हैं और चंगाई मिल जाती है। वही चीज हम यहां देख रहे हैं कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि नहीं। और ये हम में से जो लोग मिनिस्ट्री में है ना, ये हमारे लिए है। हाँ, हम में से जो लोग मिनिस्ट्री में है, हमारे लिए। वी आर नॉट हियर टू बी पॉपुलर। मैं यहां पे इसलिए नहीं हूं कि मैं पॉपुलर हो जाऊं। एंड जो भी व्यक्ति शायद मिनिस्ट्री के लिए एस्पायर कर रहा है, अगर आपके अंदर है
कि अरे इतनी पॉपुलैरिटी हो जाएगी, इतने फॉलोअर्स हो जाएंगे, प्लीज मिनिस्ट्री देन इज नॉट फॉर यू. यहां पे वी आर नॉट, जब हम मिनिस्ट्री में हैं, जब हम सेवकाई में हैं, वी आर नॉट हियर टू ड्रॉ पीपल टू आवर सेल्स. हम लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए नहीं है, लेकिन परमेश्वर की तरफ खींचने के लिए है. बहुत जरूरी चीज है ये हमें सीखना. हा? और इस चीज, जब मैं इस बारे में सोच रहा था, एक बड़ा सुंदर फ्रेज मेरे को हमेशा याद आता है. जब मैं YFC में था तो हमें ये बताया गया था, WWJD, आप में से शायद कई लोगों ने सुना है ये. हाँ, WWJD का फुल फॉर्म है, व्हाट वुड जीसस डू. अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, WWJD, व्हाट वुड जीसस डू. ये जो फ्रेज है, इसने मेरी बहुत मदद करी है ये सोचने में कि अरे इस सिचुएशन में यीशु मसीह क्या करते. हाँ, अगर यीशु मसीह, जब ये चंगाई हो रही है, कोई नॉर्मल व्यक्ति होता तो बॉस वो बहुत पम्ड अप हो जाता, अरे चंगाई हो गई, आप तो बहुत पॉपुलैरिटी मिलेगी, बहुत लोग खींचे चले जाएंगे, मैं यहीं टिक जाता हूं. हाँ, लेकिन यीशु मसीह ने बोला कि नहीं, चलो उधर चले जाएंगे. हाँ, जब अगर हम में से कोई होता या नॉर्मल कोई व्यक्ति हो तो बहुत पम्ड अप हो जाता कि अरे इस चंगाई के द्वारा तो अब जो है कलीसिया बढ़ जाएगी. हाँ, एंड लोगों को दिखेगा, अरे सच एन अमेजिंग मैन ऑफ गॉड. हाँ, लोग इस व्यक्ति को, मेरे को देख के अब खींचे चले जाएंगे. नहीं, जीसस डिड जस्ट द ऑपोजिट. यीशु मसीह ने बिल्कुल ऑपोजिट किया है, बिल्कुल ऑपोजिट किया है. और मेरे लिए भी ये जो WWJD है बहुत हेल्पफुल हुआ है ना. ये बहुत नॉर्मल है, कभी कभी आते हैं कि अरे भैया आपने बहुत अच्छा वचन प्रचार किया, या अरे आपने बड़ा अच्छा गाया, आप बहुत अच्छा गाते हैं, आपने बहुत अच्छा किया. मेरे दिमाग में पीछे WWJD चल रहा होता है. हाँ, और तभी मेरा जवाब यूजुअली होता है प्रेज गॉड, प्रभु की स्तुति हो, क्योंकि ये मुझे समझाना अपने आप को जरूरी है कि जो भी मैं कर रहा हूं, मैं अगर आपके सामने खड़े होकर बोल भी रहा हूं, मैं नहीं हूं कुछ भी. इट इज ओनली फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, और कुछ नहीं है. WWJD, एंड फॉर ऑल ऑफ अस, मैं आप सबको ये फ्रेज देना चाहता हूं, WWJD, है ना. अगर आप किसी कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में फंसे हैं, रिमेंबर दिस WWJD. अगर आप किसी को शायद रिश्वत देने वाले हैं, अपने दिमाग में आपके ये चलना चाहिए, व्हाट वुड जीसस डू. अगर आप शायद किसी को गलत नज़र से देख रहे हैं, या एकदम से किसी को देखा और वो ना फ्रेज है, नज़र हटी दुर्घटना घटी, है ना, वो नज़र जब हटने वाली है, बैक ऑफ द माइंड WWJD, व्हाट वुड जीसस डू. अगर आपको शैतान अटैक कर रहा है, हाँ, व्हाट वुड जीसस डू. हाँ, रिमेंबर दिस, इस चीज को याद रखें, इस चीज को याद रखें. और ये चीज जब यीशु मसीह ने बोला ना कि किसी से कहना मत, लेकिन किसको जाके बता, किसको जाके बता, याजक को जाके बता. हमारे लिए जो है ये सीखने वाली बात आती है दूसरी, कि जीसस इज हीलिंग compels us to testify it to others. जब यीशु मसीह की चंगाई मुझे मिलती है, जब यीशु मसीह का कार्य मेरे जीवन में होता है, तो ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं दूसरों को जाके टेस्टिफाई करूं, हाँ, टेस्टिमनी दूं कि अरे यीशु मसीह ने मेरे लिए ये किया है, यीशु मसीह ने मेरे लिए ये किया है. आपके जीवन में अगर यीशु मसीह ने कुछ किया है ना, तो डू टेस्टिफाई, जरूर किसी को बताएं कि मेरे जीवन में यीशु मसीह ने ये किया है. वो शायद आपके होम ग्रुप में होगा, होम ग्रुप में बता सकते हैं, कलीसिया में आप एक दूसरे को बता सकते हैं कि अरे भैया मेरे जीवन में ये हुआ है, सो दैट वी ऑल कैन प्रेज गॉड, प्रभु की आराधना हो सके, प्रभु की महिमा हो सके. और आखिरी चीज जब हम देखते हैं 45वीं आयत में, कोई भी पढ़ दीजिए, जी यीशु मसीह ने बोला कि किसी को मत जाके बोलना, लेकिन इस व्यक्ति ने गा दिया, इस व्यक्ति ने गा दिया, बस सबको बता दिया, ढिंडोरा पीट दिया. हाँ, ढिंडोरा पीट दिया. डिड ही डिसोबेड, क्या उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया, हाँ या ना, नहीं, यहाँ नहीं किया, नहीं किया. क्या जरूरी है सुसमाचार प्रचार करना,
या परमेश्वर की आज्ञा मानना? मैं कुछ नहीं बोलूंगा, वी कैन डिस्कस इट आफ्टरवर्ड्स. ही डिसोबेड. हाँ, प्रिंसिपल वाइज देखें, ही डिसोबेड. यीशु मसीह की आज्ञा को उल्लंघन किया, और उस उल्लंघन के वजह से क्या हुआ, लोग यीशु मसीह को ढूंढने लग गए. हाँ, और वो लोग जो चंगाई पाना चाहते थे वो यीशु मसीह को ढूंढने लग गए. आज भी यही होता है, बहुत सारे जो लोग हैं सिर्फ चंगाई के लिए यीशु मसीह के पास जाते हैं, चंगाई मिल जाती है, चले गए. मैं उस पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपके सामने लेके आना चाहता हूँ, और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यीशु मसीह ने सिर्फ पूर्ण चंगाई नहीं दी है, लेकिन जीसस ऑल्सो गेव होलिस्टिक रेस्टोरेशन. यीशु मसीह ने पूर्ण चंगाई नहीं दी है, सिर्फ वो ही नहीं दिया, लेकिन यीशु मसीह ने जो है पूर्ण रेस्टोरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, बहाली करी है. यीशु मसीह ने जो है पूर्णता से उसको बहाल कर दिया है. नोटिस एक चीज करना, इन द बिगनिंग, शुरुआत में इस खंड के कौन है सिटी के अंदर, सिटी के अंदर कौन था, यीशु मसीह. सिटी के बाहर कौन है, कोड़ी. अंत में सिटी के अंदर कौन है, और सिटी के बाहर कौन चला गया. इट इज समथिंग, इट जस्ट ब्लोज माई माइंड ऑफ, है ना. ये मतलब आप जब सोचेंगे, इट इज सो ब्यूटिफुल कि जो व्यक्ति समाज से बाहर था, यीशु मसीह ने जब उसे छुआ, चंगाई दी, पूरी तरीके से रिस्टोर कर दिया, उसको उठा के यीशु मसीह ने उस जगह पे स्थापित कर दिया, और यीशु मसीह बाहर है. जीसस गेव बैक द डिग्निटी ऑफ दिस मैन. हाँ, जीसस गेव बैक दिस मैन्स प्लेस इन द सोसाइटी. हाँ, यीशु मसीह ने इसको ये सब चीज दिया है, और अब ये व्यक्ति जो है उस समाज में एक्सेप्टेड है, उस जगह में, उस कम्युनिटी में उसको स्वीकार किया जा रहा है. हाँ, और यहाँ पे हमारे लिए वही बात आती है, जब इस व्यक्ति ने यीशु मसीह की इच्छा पे अपना सरेंडर किया. हाँ, व्हेन दिस मैन सरेंडर टू द विल ऑफ गॉड, जीसस गेव अ होलिस्टिक बहाली. हाँ, यीशु मसीह ने होलिस्टिक रेस्टोरेशन दिया. यीशु मसीह ने होलिस्टिक रेस्टोरेशन दिया. जीसस इज आउट, मैन इज इन. हाँ, यीशु मसीह बाहर है और ये व्यक्ति अंदर है. और ये जो ब्यूटीफुल पिक्चर है ना, कि ये व्यक्ति अंदर आ गया है, ये परमेश्वर के प्रेम की एक बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर है हमारे लिए. हमारे लिए परमेश्वर की एक बहुत ही सुंदर पिक्चर है हमारे लिए, परमेश्वर के प्रेम की. अब आप आसपास देख लीजिए, आप अपने ऑफिस में देख लीजिए, कॉलेज में देख लीजिए, घर में देख लीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में देख लीजिए, एवरीबॉडी इज सफोकेटिंग इन सिन. हर एक व्यक्ति जो है पाप की घुटन में है. हाँ, देर एंजॉइंग सेक्स, देर एंजॉइंग पॉर्न, देर एंजॉइंग ड्रग्स, देर लाइंग, दे आर लिविंग अ हिपोक्रिटिकल लाइफ, एक दोगला जीवन है, देर एंजॉइंग. लेकिन उनको ये नहीं पता उनका एंजॉयमेंट एक दिन खत्म हो जाएगा, एंड दे विल बी बैक इन टू मिजरी. संसार में तो यही है ना, संसार में लोग अपने दुख को छुपाने के लिए मोमेंट्री चीजों को ढूंढने लगते हैं. हाँ, मोमेंट्री रिलेशनशिप्स को देखने लगते हैं. हर एक व्यक्ति के अंदर ना एक परफेक्ट इमेज है, एक परफेक्शन की इमेज है, कि ये होती है परफेक्ट लाइफ, हर एक व्यक्ति के अंदर है. लेकिन वो परफेक्ट इमेज पाने के लिए वो लोग अलग अलग चीजों को ढूंढ रहे होते हैं. और ये शुरू कहाँ हुआ है, कहाँ से शुरू हुआ है, जेनेसिस. हाँ, उत्पत्ति में शुरू हुआ है ये. हाँ, ईडन के अंदर शुरू हुआ है. ये जो पाप है एक लेप्रसी की तरह है, ये जो पाप है एक कोप की तरह है, जो कि मनुष्य को धीरे धीरे खाए जा रहा है, मनुष्य जाति को धीरे धीरे खाया जाता है. लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उन्होंने अपने बेटे को भेजा है. हाँ, यीशु मसीह को भेजा है, जो कि कहता है, आई एम विलिंग, मैं चाहता हूं, आई एम विलिंग टू डाई फॉर यू, आई एम विलिंग टू टेक योर सिंस ऑन माई सेल्फ, आई एम विलिंग टू फ्री यू, आई एम विलिंग कि जो वो परफेक्ट होप है वो मैं तुम्हें दे सकूं. यीशु मसीह कहता है कि मैं चाहता हूं, और वो कहां पूरा हुआ, क्रूस पर.
क्रूस पर वो पूरा हुआ. इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सचेंज हम देख सकते हैं, है ना, एक बड़ा सुंदर एक्सचेंज हम यहाँ पे देखते हैं. हाँ, जो अनएक्सेप्टेड था, जो बुरी हालत में था, जो गंदगी में था, यीशु मसीह आए, हाँ, और उसको अंदर ले आए और वो बाहर चले गए. He took your sin and my sin upon himself. उसने आपके पाप और मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया और हमें जो है पूर्ण चंगाई दे दी. हाँ, आज जो हम लोग बात कर रहे हैं वो यही बात करें कि यीशु मसीह की इच्छा पे जब मैं फोकस करता हूँ तो यीशु मसीह जो है मुझे पूरी तरीके से चंगाई देता है और पूरी तरीके से बहाली देता है. सिर्फ चंगाई नहीं मिलती है लेकिन मेरी सराउंडिंग को भी यीशु मसीह जो है पूर्ण तरीके से मुझे उस जगह पे स्थापित करता है. लेकिन ये सब के लिए नहीं है, ये सब के लिए नहीं है, ये हर एक व्यक्ति के लिए नहीं है. कोई निकाल के पढ़ दीजिए एंड देन वी विल फिनिश. रोमियो 10:9 जी, हाँ, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है तो तू निश्चय क्या पाएगा? उद्धार पाएगा. ये जो होलिस्टिक हीलिंग और होलिस्टिक रेस्टोरेशन सबके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो अपने मुंह से अंगीकार करते हैं कि हाँ, यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है. जस्ट टू एंड, ये मरकुस 1:40-45 में हमने तीन चीजें देखी है, तीन चीजें देखी हैं कि यीशु मसीह पूर्ण चंगाई देते हैं और जब मुझे वो पूर्ण चंगाई मिल जाती है तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं दूसरों को जाके बताऊं कि यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया. और तीसरी चीज, यीशु मसीह सिर्फ पूर्ण चंगाई नहीं देते हैं लेकिन पूर्ण बहाली देते हैं. ही गिव्स अस होलिस्टिक रेस्टोरेशन. एंड डिड यू नोटिस, हाँ, मरकुस फिर से हमें इनकरेज करता है टू लिव अ रेयर लाइफ. मरकुस जो है हमें फिर से मदद करता है कि हम वो रेयर लाइफ जी सके. क्यों? क्योंकि उसने मदद करी है कि मैं रिकॉग्नाइज करूं कि यीशु मसीह पूर्ण चंगाई और पूर्ण बहाली देता है. लेकिन अब मेरा ये कर्तव्य बनता है, एम आई रेडी टू एक्सेप्ट हिम? Am I ready to remain faithful to him? And am I ready to show compassion to others? क्या मैं तैयार हूँ यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करने के लिए? क्या मैं तैयार हूँ यीशु मसीह के प्रति अपना faithful जीवन जीने के लिए? And क्या मैं तैयार हूँ लोगों के जीवन में change लाने के लिए? क्या मैं तैयार हूँ? क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं चीज़ के लिए? And just to end, मैं एक चीज़ चाहता हूँ कि हम करें. हाँ, यदि आपके पास फ़ोन है तो आप निकाल सकते हैं, आपके पास अगर लिखने की कोई चीज़ है तो आप निकाल सकते हैं. लेट अस डू दैट. हाँ, आप या तो फ़ोन निकाल सकते हैं या कोई पेपर निकाल सकते हैं. एंड लेट्स जस्ट डू वन थिंग टुगेदर. आप वही प्रार्थना लिखिए जो आप डेस्परेटली चाह रहे हैं कि वो फुलफिल हो. आप वो प्रार्थना लिखिए जो आप चाह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह से, वो डेस्परेट प्रेयर को लिखें. हाँ, वो प्रार्थना को लिखें जो आप यीशु मसीह से निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु ये फुलफिल कर दो, प्लीज प्लीज प्रभु जी ये फुलफिल कर दो. हाँ, वो प्रार्थना को लिखें जिसके लिए आप कह रहे हैं कि प्रभु ये फुलफिल कर दो कि तो मैं रोज चर्च आऊँगा. हाँ, अगर आप ये फुलफिल कर दोगे तो मैं अपनी टाइथ एंड ऑफरिंग रेगुलरली दूंगा. हाँ, अगर आप ये प्रार्थना पूरी कर दोगे तो प्रभु जी मैं सुसमाचार प्रचार करूंगा. अल्टीमेटली डेस्परेट प्रेयर की बात कर रहा हूँ मैं, वो लिखे. एंड आई एम श्योर आपने लिख ली है. अब एक सवाल